देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते भी गर्मी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक इस हफ्ते भी बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम साफ रहेगा, साथ ही तेज धूप भी निकलेगी। यही नहीं, अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। वहीं इस हफ्ते के दौरान कई दिन 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। गौरतलब है कि मार्च में अब तक एक बार भी बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से काफी गर्मी महसूस की जा रही है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 20.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 21 से 46% रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस सप्ताह मौसम साफ रहेगा। 29 मार्च और 1 अप्रैल को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हफ्ते के अंत तक तापमान इसी के आसपास बना रह सकता है। वहीं नोएडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना है और तेज धूप निकलेगी। हफ्ते के अंत तक नोएडा में तापमान इसी के आसपास बना रह सकता है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में सोमवार को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस सप्ताह मौसम साफ रहेगा। हफ्ते के अंत तक गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा और 301 है। वहीं नोएडा में AQI खराब श्रेणी में 210 है, जबकि गुरुग्राम में AQI खराब श्रेणी में 284 रिकॉर्ड किया गया है। इस हफ्ते दिल्ली NCR में AQI खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि 29 मार्च और 1 अप्रैल को तेज हवा चलने के बाद AQI में सुधार होने का अनुमान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।